साथियों पूरी एग्जाम को टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे, स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को। साथियों पूरी एग्जाम को टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे, स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को। साथियों पूरी एग्जाम को टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे, स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। साथियों मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। साथियों ये है आपकी 1000 क्वेश्चन सीरीज वाली कर्मयोद्धा अभिमन्यु बैच की क्लास। साथियों ये क्लास एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो जीडी और एमटीएस इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके आज के इस बेहतरीन सेशन का, आपकी गुड आफ्टरनून नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और राधे राधे के साथ। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है वो क्या है बताइए जरा। अरे ये तो कर चुके ना, हमें तो आगे जाना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है वो क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, एसआई इकाई क्या है बताइए जरा। एसआई आवृत्ति की इकाई क्या है बताइए जरा, आवृत्ति की इकाई जल्दी बताएंगे जरा। फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी बताइए। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, चलिए चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी। देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T। सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड या फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, एक इकाई के समय में या 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है। फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा कब होगी, जब नंबर ऑफ साइकिल्स 1 सेकंड में बहुत ज्यादा होंगे। अगर 1 सेकंड को हमने अपना आधारभूत बनाया है समय के आधार पर, तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी जब नंबर ऑफ साइकिल कम होंगे 1 सेकंड में। मतलब फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे भी होती रहती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफायर की बताइए जरा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफायर की। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूं अगर किसी को नहीं पता तो। मॉडिफायर की किसे कहते हैं बताइए जरा, मॉडिफायर की किसे कहते हैं जल्दी जल्दी बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए मॉडिफायर की। मैं आपका आंसर देख रहा हूं, मैं सबको आंसर दूंगा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मॉडिफायर की होती क्या है, सबको पता है कि हमारे पास कंप्यूटर होता है, जिसके पास कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के साथ हमें क्या मिलता है, कीबोर्ड मिलता है। क्या मिलता है, कीबोर्ड, सबको पता है ना। तो ये आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड है, हालांकि कंप्यूटर के साथ हमारे पास चूहा भी होता है, माउस, ठीक है, कुछ का ब्लूटूथ वाला चूहा होता है, किसका ब्लूटूथ का बिना वाला चूहा होता है। तो मतलब कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ऑल्ट हो गया, अगर आप उनको बटन को दबा दीजिए और उसके अलावा आप दूसरे बटनों को दबाइए, तो कई बार जो एस होता है, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा,
कंट्रोल एस के साथ ए दबा देंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये होता है, इसके फंक्शंस होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर की, मतलब जो दूसरे की को, दूसरी की को, दूसरी कुंजी को क्या कर दे, मतलब की मतलब दूसरी की को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, उससे दूसरा काम करवाए। तो इसका आंसर क्या बनता है, डी, ऑल, सभी विकल्प सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। भाई साहब इनर्ट गैस कौन सी है बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनर्ट गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनर्ट गैस। जल्दी बताइए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनर्ट गैस कौन सी है, देखिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, मानना पड़ेगा इस बात को। तो देखिए इनर्ट गैस किसे कहते हैं, आर्गन को कहते हैं, ठीक है। देखिए जो आपकी नोबल गैसेस हो गई, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जिनोन हो गया, ठीक है, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। क्या होती हैं आपकी नोबल गैसेस होती हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, क्या होती है ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि इनर्ट गैस होती कौन सी है, वो गैस, वो गैसेस जो एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं करती, जो केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक मतलब गतिविधियां हैं, जो केमिकल रिएक्शन नहीं करती, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, क्योंकि जो ये नोबल गैसेज है जिसमें आर्गन होगी, क्रिप्टन होगी, जिनोन होगी, ये बहुत कम सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करती है, बहुत मतलब मैक्सिमम सब्सटेंसेस के साथ तो रिएक्शन करती नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या आता है आपके सामने, ओजोन इज एन ऑक्सीजन ऑफ, बताइए जरा ओजोन ऑक्सीजन क्या है, बताइए जरा ओजोन इज एन ऑक्सीजन ऑफ, बताइए एलोट्रोप, आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन, जल्दी बताएंगे जरा, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, उमेश मोंडोल का आंसर सही है, और कौन कौन से लोग आंसर सही दे रहे हैं, हिमांशु का, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, शिवांश का आंसर सही आया है। देखिए एलोट्रोप क्या इसका आंसर है, एलोट्रोप इसका आंसर है, ठीक है, ओजोन, ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्सीजन का केमिकल एलिमेंट बता सकते हैं क्या है आपका, बताइए जरा, क्या आप इसका बता सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन, देखिए O3 से बनता है ये, ठीक है, तीन ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं तब बनता है आपका ओजोन, इसलिए ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई या फिर ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, ये ओजोन लेयर को बहुत खतरा पहुंचा रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर, जिसे हम हिंदी में पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही होती हैं, ओजोन हमें उनसे बचाती है। पराबैंगनी ज्यादातर कैंसर जैसी बीमारियां देती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखी भी जा रही थी, जब तक कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की जो परत थी वो खराब हो गई थी, हालांकि लॉकडाउन के चलते हालांकि वो बहुत ज्यादा हील हुई है, स्वस्थ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, रेड डाटा बुक। भाई साहब ये लाइन, लाल डाटा बुक याद रख लो, कभी भी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और दुनिया में एक ही है ये बुक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, रेड डाटा बुक, इसलिए इसको भूलना नहीं है, मेरे तरफ से इसे कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दो। कंटेन डाटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल प्लांट्स मतलब सभी पौधों की प्रजातियों का, सभी जानवरों की प्रजातियों का, सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का, या फिर सभी लुप्त प्रजातियों का डाटा, लाल डाटा बुक निम्नलिखित में से किसका डाटा अपने हाथ रखती है, जल्दी बताएंगे जरा, जल्दी जल्दी बताइए किसका डाटा अपने पास रखती है, चलिए बताइए जरा। एसएससी लवर का आंसर सही है, मतलब तो एसएससी लवर तो आंसर आरती प्रजापति का सही है, सुब्रात कुमार का सही है, सुब्रात क्या बात है। देखिए क्या है, लाल डाटा बुक इसका आंसर पहले देता हूं, सभी लुप्त होने वाली प्रजातियां या लुप्त हो चुकी प्रजातियां का सारा डाटा रखती है, समझिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है,
ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। किसके लिए? प्रकृति को बचाने के लिए। ठीक है, इसने एक काम शुरू किया रेड डाटा बुक का। क्या? रेड डाटा बुक। ठीक है, अब ये कब शुरू हुआ? 1964 में। कब शुरू हुआ? 1964 में। इसमें किया क्या जाता है? दुनिया भर में ऐसी प्रजातियां, स्पीशीज की जो लुप्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं, या अलग अलग कैटेगरीज में रखती हैं, जैसे कि चपेट में है, खतरे में है, लुप्त होने वाली हैं या लुप्त हो चुकी हैं, लीस्ट कंसर्न, थ्रेटेंडेड, एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके प्रजातियों का सिस्टम रखती है। तो इसका आंसर क्या बनता है? ये रेड डाटा बुक IUCN के अंदर आती है। कब इसका गठन किया गया? 1964 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है आपके सामने? यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स अमेंडमेंट इन, देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये क्या लिखा है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक MSIP में संशोधन को मंजूरी दी है। तो वो कह रहे हैं कि MSIP का फुल फॉर्म क्या है? MSIP का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए जरा। अरे IUCN 1948 में लॉन्च हुआ, लेकिन रेड डाटा बुक 1964 में लॉन्च हुई। अकल के दुश्मन, जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। देखिए इसका आंसर क्या है? मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम इसका आंसर है। ठीक है, देखिए MSIP, ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है? MSIP ये किसके लिए है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैमरा है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिजली का बल्ब है इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो बिजली के अंदर की तारे कटीली ये वो बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं। जिन भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का भारत में उत्पादन किया जाना है, ये उनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट से रिलेटेड ये स्कीम थी, योजना थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ फ्रोजन फूड? बताइए जरा, जमे हुए खाद्य पदार्थों का इन्वेंटर कौन था? अल्फ्रेड नोबल, क्लेरेंस, फ्रैंक विटल या फिर इवीस, जल्दी बताएंगे जरा साथियों, जल्दी जल्दी मिलकर सभी लोग इसका आंसर बताइए। जल्दी जल्दी देखिए इसका आंसर क्या है? क्लेरेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या है? क्लेरेंस बर्ड आई। ठीक है, स्पष्टता पक्षी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है? द मोस्क, मस्जिद। ठीक है, हिलती मीनार वाली मस्जिद किस भारतीय शहर में है? कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। मोस्क विद शेकिंग मीनारेट्स इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी? बताइए जरा, कौन से भारतीय शहर में है मोस्क विद शेकिंग मीनारेट? जल्दी बताएंगे जरा। देखिए सबको इसका आंसर पता है, कहां पर है? अहमदाबाद में है। ये अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसे झूलता मीनार भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? झूलता मीनार भी कहते हैं। ठीक है, अब ये झूलते मीनार में बालकोनीज वगैरह भी बनी हुई है। देखिए मीनारेट, ये मीनारेट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार से क्या क्या काम किया जा सकता है? कुतुब मीनार वैसे तो एक आज के टाइम पर संस्कृति से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, कल्चर से मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि कुतुब मीनार का उस समय काल में काम क्या हो सकता था?
एक वॉच टावर के रूप में भी काम करता था वो, मतलब वहां ऊपर खड़े होकर व्यक्ति निगरानी भी रख सकते थे, तो उसे मिनारेत भी कहा जाता था। ठीक है, तो मिनारेत इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए वहां पर भी बनाया गया एक मिनारेट। लेकिन यह मिनारेट कैसा है, जैसे दरवाजा बनाया जाता हो, ठीक है, उसके साथ पिल्लर खड़े किए गए हैं, थ्री मंजिल मतलब तीन मंजिली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, वो क्या है, चलिए हाँ हाँ निगरानी कर लेना स्माइली सिंह, निगरानी कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वो क्या है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए जरा। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, बताइए जरा जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक यादव का आंसर सही है, सीतू पोरसा का, मंताशा का, क्या बात है, और कौन कौन है, मनैनसी का, सौरभ वर्मा, नेहा गुज्जर, सोमन, और कौन कौन है, रुचि पटेल, रजनी, पूनम, विशाल, कार्तिकेय, क्या बात है, सुमन। देखिए इसका आंसर क्या है, रस्किन बॉन्ड, सबका आंसर सही है, रस्किन बॉन्ड इसका आंसर है। चलिए जेम्स बॉन्ड का छोटा भाई रस्किन बॉन्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, वो क्या आता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड वेपन लॉन्चिंग मिशन, ड्यू टू इंक्रीज्ड वेपन लॉन्चिंग मिशन ऑफ नॉर्थ कोरिया विच कंट्री हैज लॉन्च ए स्पाई सैटेलाइट टू मॉनिटर इट, बताइए उत्तर कोरिया के हथियारों की लॉन्चिंग मिशन के कारण किस देश ने इसकी निगरानी के लिए एक जासूस उपग्रह लॉन्च किया। कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, मतलब देश है, कोरियन पेनिनसुला है ना, कोरियन प्रायद्वीप है जो कि रशिया के ठीक नीचे आता है, ठीक है, ऐसे लटक रहा है एशियाई महाद्वीप से। तो कोरियन जो कोरिया का प्रायद्वीप है वो दो देशों में बटा है, उत्तर में आता है, उत्तर की तरफ आता है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, और साउथ में आता है दक्षिणी कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है किम जोंग उन, क्रैक है थोड़ा, मतलब सर का, मतलब उसका टॉप फ्लोर थोड़ा खाली है, मतलब टेम्परामेंटल हिला हुआ है थोड़ा, तो वो कोई ना कोई मिसाइल अटैक प्रशांत महासागर में करता ही रहता है, कभी न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर लिया, कभी हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर लिया, तो जापान वालों को डर लगा रहता है कि गलती से भी एक आधी मिसाइल हमारे ऊपर आकर ना गिर जाए, न्यूक्लियर बम गिरा, हाइड्रोजन बम गिरा, तो उनकी तो आधी संस्कृति खत्म हो जाएगी, आधा देश ही खत्म हो जाएगा। तो जापान ने क्या किया है, वहां पर उस क्रैक आदमी पे नजर रखने के लिए, हिले हुए आदमी पे, उन्होंने क्या किया है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, स्पाई सैटेलाइट, जो उनके रिसर्च सेंटर हो गए जहां पे वो अपने प्रशिक्षण करते हैं, या कब वहां से कैसे लॉन्चिंग करते हैं, या किंग जोंग उन कहां उठता है, कहां बैठता है, कहां खाता है, कहां पीता है, कहां नहाता है, उस पर नजर रखने का काम करते हैं। ठीक है, चलो चलो, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज ए लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग, बताइए जरा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का तवांग के पास भूमि विवाद है, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। भारत का एक देश के साथ विवाद है, वैसे भारत का तो सबके साथ ही विवाद है, देख लो भारत का, मतलब पाकिस्तान और चाइना है ही, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश हो गया, या मालदीव हो गया, या इधर से म्यांमार हो गया, ये खेल खेलते हैं भारत के साथ, खेल खेलते हैं, मतलब दिमागी खेल खेलते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान तो फ्रंट से खेलते हैं कि भाई साहब खेलना ही है तुम्हारे साथ, लड़ना ही है, जो मर्जी कर लो। तो कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ डिस्प्यूट चलता है तवांग के पास, तवांग कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पहली बात तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तवांग है, ठीक है, तो चाइना में उसे चीन के साथ इस जगह पे क्या रहता है, डिस्प्यूट रहता है। इसी एरिया में क्या पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, ये देखिए यहां से उत्तराखंड से होते हुए, ये देखिए यहां पर क्या पड़ रहा है, नेपाल पड़ रहा है, ठीक है, यहां पर क्या पड़ रहा है, भूटान पड़ रहा है। अब देखिए भूटान के कुछ, सिक्किम के कुछ इस तरफ, ठीक है, इस तरफ इस पोर्शन पे आके क्या है, एक डोकलाम का पठार भी है, क्या है, डोकलाम का पठार भी है। हालांकि ये डोकलाम का पठार पड़ता कहां पर है, मैं ब्लैक से ब्लैक कर देता हूं इसको, ये डोकलाम का पठार पड़ता कहां पर है, भूटान में पड़ता है, लेकिन भूटान और भारत के साथ एक एग्रीमेंट हो रखा है जिसके अंतर्गत भूटान को जब भी चाइना की तरफ से या किसी दूसरे देश की तरफ से खतरा आएगा तो भारत उसकी सैन्य
तौर से मदद करेगा, मतलब भारत उसका रक्षण करेगा, मतलब भारत की आर्मी लगी हुई वहां पे, ठीक है। तो डोकलाम के पठार पर एक यहां पर बड़ा क्लिष्ट रहा था, एक तवांग वाला ये एरिया है, बाकी आपको पता ही है लद्दाख वाले एरिया का तो पता ही है, जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग झील है, वहां पर हो गया या काफी इलाकों में हो गया। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या आता है, क्या हो गया, लेट वाला बाहर खड़े हो जाओ, कौन बाहर खड़े हो जाओ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेट वाले भी अंदर आके बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, तुम्हें अगर चाय भी पीनी ना मेरी क्लास में चाय भी पी डालो, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बताइए जरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंट नहीं है, बताइए जरा, जल्दी बताओ जरा। एक बात याद रखना, मेरी क्लास का मतलब ये नहीं है कि खड़ूसा बुड्ढा आया है पेड़ निकाल के, ऐसा नहीं है, तुम लोग चाय भी पियो मेरी क्लास के साथ मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, ये नहीं है कि हाँ पेट निकाल के ऐसा वहां बैठो, नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम अपना पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चाय भी पियो साथ में, चाहे क्लास देख देखते नहा डालो, स्विमिंग कर लो, चिकन खा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि वैसे भी मेरे सामने तो हो ही नहीं, मैं खाड़ भी कह लूंगा तुम्हारा। चलो जल्दी जल्दी बताओ जरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा मैम, थोड़ी वो कर देना, ब्राइटनेस कम कर दो, मैं ब्राइटनेस कम करवा देता हूं, ब्राइटनेस वैसे ठीक ही है, मैं बता रहा हूं ना, मैंने कल भी आपको एक लॉजिक दिया था कि आप लोग पता क्या करते हो, मतलब बड़े शाणे हो, खतरनाक आदमी हो, तो मैं बोला अपना जो लेवल है ना वो मतलब जूमिंग का, वो मतलब जो स्पीड होती है उसको कम करके बजाय 480 या 720 कर लो, ठीक है, जो टिकटॉक पे टिकटॉक वालियों को देखते थे, टिकटॉक बंद हो गया, फिर वो टिकटॉक वालियां इंस्टाग्राम पे ट्रांसफर हो गई, अब तुम उनको वहां देखते हो, उधर अपना नेट वेस्ट मत करो, थोड़ा सा इधर लगा लो, बाद में सारी जिंदगी देखते रहना, क्या पूछेगा कोई, चलो लो, एक बच्चा कह रहा है लो बन गया मुर्गा, कैसे बनेगा मुर्गा मेरे भाई, मुर्गा कैसे बनेगा, तुमने अंडे से चूजा निकाल दिया और तुम कह रहे हो कि मुर्गा बन गया, मुर्गा मतलब चूजा निकालना इज नॉट मुर्गा बनाना, मुर्गे का बनाने का एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले उसकी मुंडी अलग की जाती है, फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेस किया जाता है उसको, अंडे के अंडे से निकाल लिया तुमने चूजा और कह रहे हो लो मुर्गा बन गया, वो तो पैदा होने की प्रक्रिया है, उसके बाद इंजेक्शन लगा के 40 दिन में बड़ा करते हैं उसको, 30 दिन में बड़ा कर देते हैं, उसका मैंने क्वेश्चन भी करवाया वैसे एक बार कि कौन सा केमिकल दिया जाता है उसको 40 दिन वाली मुर्गी को 30 दिन में बड़ा होने के लिए, और ये भी क्वेश्चन है कि मुर्गियां बहुत ज़्यादा होती है, मुर्गा एक ही होता है, 4-5 मुर्गे 100-150 मुर्गियों पे छोड़े होते हैं और वो सारा आसपास मतलब मंडराते रहते हैं कोई नेक्स्ट मुर्गा ना आ जाए, चोंच मार मार के भगाना पड़ेगा, ग्रुप बना लेते हैं वो भी, इंसानों में केवल ग्रुप नहीं बनते, जानवरों में भी ग्रुप बनते हैं, तुम देख लोगे किसी मोहल्ले में 4-5 कुत्ते होंगे तो मतलब वो तीसरे कुत्ते को एंट्री नहीं करने देते, 6 को सॉरी, 4-5 तो ऑलरेडी हैं। चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, हम लोग मतलब मुर्गों पे डॉग्स पे बहुत ज़्यादा चले गए, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिस्टम पे बहुत चले गए, लेकिन यहाँ पे आइए देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है इसका करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एक कौन सा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक कौन सा होता है कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो इसका ये तो सीधा सीधा हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है, लेकिन प्रश्न क्या है कि कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर नहीं आता, अब वो यहां पर क्या इसका आंसर बनता है, सी इसका आंसर बनता है, ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है, सी इसका आंसर बनता है, अब यहां पर तो जाओगे तो और गहराई होगी, ठीक है, और गहराई होगी, जैसे करंट अकाउंट के अंदर क्या है, विजिबल, यहां पर क्या है, नॉन विजिबल, ठीक है, मतलब दो प्रकार के करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन मतलब खरीद बेच होती है, जैसे कि यहां से कोई आईफोन मंगवाता है, आईफोन की कंपनी अमेरिका में है तो आईफोन यहां आएगा, आईफोन के बदले यहां से पैसा जाएगा, ठीक है, मतलब
आईफोन आएगा तो आईफोन के बदले पैसा जाएगा, ठीक है। आईफोन चलाना चाहे ना आता हो तो लेकिन दूर से दिखाना है ऐसे ऐसे करके, मतलब मेरे पास आईफोन नहीं है पर लेकिन शो ऑफ करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे करके दिखाना होता है ना। कुछ लोगों को लगता है कि आईफोन दिखा देंगे तो सिंगल से जल्दी मिंगल हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है उसका भी, उसकी भी क्लास करनी पड़ेगी लगता तुम लोगों के साथ। चलो अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स होती है, कैपिटल अकाउंट में लोन लेती है, सरकार लोन ले सकती है, कंपनियां लोन से ले सकती है। उसके बाद बैंक के अकाउंट होते हैं कैपिटल में, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज इंडिया में रहता हूँ, कल मेरी शादी हो जाए किसी कनाडा की लड़की के साथ, मैं कनाडा चला जाऊँगा, तो कनाडा जाके मैं शिफ्ट हो जाऊँगा तो मैं अकाउंट इंडिया में रखना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, तो मैं यहाँ पे NRI अकाउंट खोल सकता हूँ या फिर NRI होकर यहाँ पर पैसे भी रख सकता हूँ, तो ये भी कैपिटल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि मतलब बीइंग अ इंडियन, मतलब कंजूसी तो रहेगी मेरे अंदर थोड़ी बहुत, मैं कनाडा में जाके रहूँगा तो मोटा पैसा कमाऊँगा तो खर्चा कम करूँगा और पैसा इंडिया में जाके जोड़ूंगा, तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऐसा ही करते हैं इंडियंस, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो इंडिया के लोग इतने क्यों अमीर होते हैं, जो रेमिटांसिस है नॉन विजिबल में, एक रेमिटांस कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं रेमिटांस, जैसे कि यहाँ से कोई बंदा फॉरेन गया चला, ठीक है, फॉरेन जाके मोटा पैसा कमाता है, वहाँ पे 200 दोस्तों से खर्चा उठाता है, वहाँ से जाके अमीर गर्लफ्रेंड बनाता है, वो उसका खर्चा उठाती है, तो उस सीन में क्या होता है कि वो अपने पैसे को बचा के घर बेचता है। जो पैसा फॉरेन से इंडिया में वो कमा कर बेचते हैं वो रेमिटांस के रूप में आता है, ठीक है, हालांकि उसको नॉन विजिबल पेमेंट में करंट अकाउंट में गिना जाता है। अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, जब कभी मतलब फुर्सत से बैठेंगे, मिल बैठेंगे यार दोस्त, तब करेंगे। चलो बैग पाइपर नहीं रखेंगे साथ में बस। चलो, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, बताइए जरा भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जल्दी बताएंगे जरा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। देखो सीरियस हो जाओ, ठीक है, हमने बहुत हंसना था, हंस लिया, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, शो होता तो जितना मर्जी हंस लेते तुम, प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है, देखिए एक बच्चा कह रहा है कि हर क्वेश्चन के पीछे 40 सेकंड दिया करो, बच्चे मैं 20 सेकंड भी देता हूँ ना तो मेरे सिर पे तलवार लटका देते हैं हजारों लोग, यार तू बहुत स्लो करा रहे हो, ये है वो है, तो क्या करूँ, मैं 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास तुम्हारे कमेंट और सिग्नल भी लेट आता है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। चलो बहरहाल, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर राज्यपाल। ये एक बात याद रखनी है कि ये कौन सा पद है, संवैधानिक पद है, और इसकी आम तौर पर अवधि कितनी होती है किसी पद पर बैठने की, मतलब गवर्नर के पद पर बैठने की, 5 साल होती है, लेकिन अगर किसी वक्त राष्ट्रपति को लगे बस इसका समय काल पूरा हो गया, मतलब पूरा हो गया मतलब कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया, जीवन अभी है उसका, ये मत समझ लो कि मतलब कट लिए भाई साहब, ऐसा नहीं है, तो मतलब 5 साल से पहले भी इनके कार्यकाल की अवधि हो सकती है पूरी, लेकिन ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। लेकिन अगर इसके अलावा CAG का पद होता या फिर कोई ऐसे दूसरे संवैधानिक पद होते जैसे कि चुनाव आयोग के मुख्य कमिश्नर होते या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते, उनका समय काल और उम्र तय की गई होती है, यहाँ इस समय काल और इस उम्र तक वो इस पद पर बैठेंगे, अगर बेचारे परलोक सुधार लिए तो बात अलग है, क्योंकि क्या कह सकते हैं। वट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सेट्योरारी, बताइए जरा, सेट्योरारी का शाब्दिक अर्थ क्या है, वट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सेट्योरारी, बताइए जरा जल्दी बताओ, वट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सेट्योरारी। साथियों एक बार मिलकर सेशन को शेयर करिए सभी लोग, क्लास को 300 पार लेके जाओ, 5 ईयर अनिश्चित, क्या कह रहे हो यार, हाँ बिल्कुल सही आंसर, स्माइली सिंह का आंसर सही है इस क्वेश्चन का, स्माइली सिंह का आंसर सही है, हैरी पॉटर का सही है, हैरी पॉटर। सौरभ वर्मा का आंसर सही है, नैन्सी कंबोज का सही है, सौरभ वर्मा का सही है। देखिए इसका आंसर क्या बनता है,
टू बी सर्टिफाइड टू बी इनफॉर्म। देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उसमें एक अधिकार नंबर है, मौलिक अधिकार नंबर, फंडामेंटल राइट नंबर क्या है, 32। ये क्या है, ये मौलिक उपचार है। ये मौलिक उपचार की शक्ति न्यायालय, न्यायालय इस्तेमाल करता है। ये शक्ति ने किसने दी है, न्यायालय को, संविधान ने दी है। किसने दी है, संविधान ने दी है। इस मौलिक उपचार वाले पांच मौलिक उपचार आते हैं, हैबियास कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरारी, क्वो वारंटो, ठीक है, और एक और आता है मैंडामस। तो ये सारे उपचार इस्तेमाल करता है, कौन इस्तेमाल करता है, न्यायालय इस्तेमाल करता है। किसके लिए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन ना हो जाए। अब देखो अगर मेरे पास मौलिक अधिकार है जीने का, इंजॉय करने का, लेकिन उसी के साथ मेरा एक मौलिक कर्तव्य भी है। क्या मौलिक कर्तव्य है, कि मेरा अगर खुश रहने का मन करता है तो मैं जाके ये नहीं कि सामने वाले को चपेड़ मार दूं, मतलब वो कैसे हो सकता है, वो तो क्राइम हो जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकार एक दायरे में होते हैं, किस में होते हैं, एक दायरे में रहकर काम करना होता है, वो होते हैं आपके मौलिक अधिकार। पता चले वो आगे से मतलब खुदा पहाड़, मतलब पहाड़ के नीचे चूहा निकलने वाली बात ना हो जाए, निकलेगा ऐसे ऊँट या शेर निकल आए तो ऊपर से चार पाँच रख देगा मुँह पे। मतलब कहने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकार अपने दायरे में रहकर होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार होते हैं तो उस व्यक्ति के पास मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। कैसे, समझिए, मेरा मौलिक अधिकार है, अब अपना समझ लो, कैमरे के उस तरफ जो तुम लोग बैठे हो, तुम अपना समझ लो कि तुम्हारा मौलिक अधिकार है पढ़ने का, तुम्हारा मौलिक अधिकार पढ़ने का है। लेकिन तुम्हारा मौलिक अधिकार पढ़ने का कैसे होगा, हालांकि संविधान के अंदर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, लेकिन उस अधिकार को पूरा कैसे किया जा सकता है। जब कोई सामने शिक्षक खड़ा होगा और उस शिक्षा का आवंटन, मतलब आपको वो शिक्षा बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को समझाने का प्रयास करेगा, अपनी एनर्जी लगाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने शिक्षा देने का कर्तव्य है उसको पूर्ण किया, तभी तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिला। तो ये सिस्टम होता है, अधिकार और तब कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हो इसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है, वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट। बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट निरक्षर था। बताइए, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट पढ़ा लिखा नहीं था। अनपढ़ कहोगे तो बेइज्जती हो जाती है बेचारे की, आखिर सम्राट रहा है, बेइज्जती क्यों मारनी है। लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था ये कह लो, मतलब थोड़े से अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर लो, कहने को पढ़ा लिखा नहीं था। बिल्कुल सही आंसर, सबको इसका आंसर पता है, अकबर, ठीक है, अकबर इसका आंसर है। 13 साल और 3 महीने की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है, बैरम खान की मदद से। किसकी मदद से, बैरम खान की मदद से। अब अकबर, बेनू बेगम इसकी माता, इनकी माता जी का नाम, अकबर की माता का नाम क्या था, बेनू बेगम। अब इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम बता दो, इसके पिता का नाम था हुमायूं। हुमायूं पहला ऐसा मुगल शासक था जिसकी टॉम्ब, कब्र भारत में बनाई गई थी। हालांकि ये दूसरा मुगल शासक था, लेकिन इसके पिता थे जो बाबर के पिता, क्या उनका नाम था, हुमायूं के पिता जिसका नाम था बाबर, उसकी कब्र अफगानिस्तान में उस व्यक्ति की, ठीक है। अब ये कौन सा वंश था, सब मुगल वंश कह देते हैं, लेकिन एक और नाम निकल कर आता है, तिमुरिद वंश। कौन सा वंश, तिमुरिद वंश, ठीक है। जो चंगेज खान था ना, चंगेज खान, चंगेज खान मतलब मंगोलों का सरदार, उस वहां पे खान का मतलब किसी धर्म से संबंध नहीं था, खान का मतलब है सरदार। जो चंगेज खान था ये उसी के वंशज माने जाते, मतलब उसके बच्चों के आगे बच्चे हैं ये, ठीक है। तो मतलब शादियों के मामले में ना, जो चंगेज खान था वो अकबर से भी आगे था, ये बात याद रखना। मतलब तुम ये मानो कि अकबर की तो इतनी जनरेशन नहीं चल रही, लेकिन चंगेज खान, मतलब इंडिया को छोड़ दो, इंडिया में तो चंगेज खान या मंगोल एंट्री नहीं किए, दुनिया में हर 10 में से, मतलब हर 10 व्यक्तियों में से दुनिया में एक व्यक्ति कहीं ना कहीं चंगेज खान का वंशज है, ठीक है। मतलब इतनी शादियाँ की थी उसने, मतलब शादियाँ क्या की थी, मतलब जहाँ भी जाता था तो उस राजा को मार देता था, उसके गारे गवर्नर्स को मार देता था, उनकी बीवियों से शादी कर लेता था, ठीक है। मतलब बहुत बच्चे थे, मतलब दुनिया में हर 10 में एक बच्चा उसका वंशज माना जाता है, मतलब उसके अंदर चंगेज खान का खून माना जाता है। बड़ा ही खतरनाक आदमी था, अकबर से भी ये पीछे था ये व्यक्ति। चलो
मतलब आगे था। चलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट विच टू लैंड मासिस, बताइए जरा मलक्का जल डमरू किन दो भूमि द्रव्यमानों को अलग करता है, मलाया पेनिनसुला इंडोनेशिया, दूसरी तरफ अफ्रीका यूरोप, तीसरी तरफ इंडिया और श्रीलंका, चौथी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जल्दी बताइए जरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का का जल डमरू किसे अलग करता है, जल्दी बताएंगे मलक्का का जल डमरू किसे अलग करता है। मलक्का ये मुंह में रखने वाला मुनक्का मत समझ लेना, मलक्का है ये मलक्का। चलो बिल्कुल सही, सब बिल्कुल सही आंसर देने हैं। मलाय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच में जो छोटा सा जल डमरू है, चाइना भाई साहब डरता है इस जगह से निकलने से, चाइना और भारत का अंडेमान निकोबार इसके बहुत नज़दीक है, कभी भी अपना तेजस फाइटर क्राफ्ट एम का जो बन रहा है वो उड़ा के भेज देगा दो मिनट में, मतलब चाइना के समुद्री जहाज़ों में कील ठोक देंगे वो। ब्रह्मोस, अब तो ब्रह्मोस भी आ गई भारत के पास, दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल, सबसे तेज सबसे घातक, ठीक है, मतलब उसकी दूरी 300 किलोमीटर तक की है, मतलब भारत का जहाज 300 किलोमीटर दूर से निशाना बनाएगा किसके जहाज को, चाइना के जहाज को मलक्का स्टेट में, और वो वहीं मतलब फुस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है, द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू विच स्टेट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, अक्षांश क्या होता है ये वाला जो भूमध्य रेखा वाला अक्षांश, ठीक है, ऊपर नीचे इसके भाई बहन है मकर रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, ऊपर कर्क है बड़ा भाई, नीचे मकर है छोटी बहन, तो मतलब सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश दूसरे कौन से राज्य से गुजरता है, बताइए जरा। कपिल बैनीवाल मेरी हेयर स्टाइल ऐसी ही है, तुम भी बना लो क्या दिक्कत है, हेयर बैंड ही तो पहनना है, जिग जैग वाला बस, मार्केट से मिल जाएगा, प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, बेचती नहीं मारना चाहता अपनी। चलो राजस्थान, क्या है इसका आंसर, राजस्थान। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, बताइए जरा, बताओ जरा, जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। देखिए ये मतलब सलमान खान के डायलॉग वाला वो दूसरी चीज है ये, ठीक है, प्लांट हार्मोन पूछ रहे हैं, बताइए जरा, थायरोक्सिन, इसका आंसर क्या है, थायरोक्सिन, ठीक है, मतलब हार्मोन सिर्फ इंसान के शरीर में नहीं होते, पौधों में भी हार्मोन होते हैं। चलिए नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, नेफ्रॉन मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बहुत सारी, संचार प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, प्रणाली प्रजनन प्रणाली या श्वसन प्रणाली, बताओ जरा। जैसे होता था ना जब हम लोग छोटे होते थे तो इंडिया इतना डेवलप नहीं था तो नालियां होती थी, मेरे को वो नाली वाला साउंड निकला आया मेरे दिमाग से, मेरे को याद आ गई अपनी पुरानी ताजी बचपन वाली, आजकल तो सड़कें बन गई, नीचे पाइपें डल गई हैं, हालात तो वहाँ भी करप्शन तगड़ा है, बताओ जरा। बिल्कुल सही आंसर इसका बी आंसर है, उत्सर्जन प्रणाली, ठीक है, उत्सर्जन प्रणाली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या आता है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, मतलब कि अब सर्दियां चल रही हैं, गर्मियों में ये वाला विटामिन सोखने जाओगे तो काले हो जाओगे, मैं भुगत चुका अपने समय काल में, तो अगर सर्दियों में ये विटामिन लेने जाओगे तो बहुत बढ़िया, अभी तो मिल रहा है, ठीक है, विटामिन ये वाला भर भर के ले लो,
बिल्कुल सही, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, ठीक है, ये कैल्शियम को सोख, मतलब कैल्शियम को भी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस जगह पर अधिकतम होती है, वैक्यूम में, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? जल्दी बताइए जरा, कहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस? जल्दी बताएंगे जरा, जल्दी जल्दी सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर कर दिए। तुम लोग सेशन को शेयर नहीं करते हो, मैं सच बता रहा हूं, तुम लोग चाहते हो मैं ही सब कुछ कर दूं, तुम्हारा पेपर भी मैं दे आऊं। देखिए इसका आंसर क्या है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बताइए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन, जाउल, एम्पियर, वॉट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, जल्दी बताइए जरा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? जल्दी बताएंगे और शेयर भी करेंगे। विद्युत धारा, बताओ जरा, ये मेरा साइन याद रख लो, उड़ता हुआ पंछी बना देता हूं बस मैं ऐसे, बताओ जरा एसआई इकाई। जल्दी जल्दी करो, देखिए एसआई यूनिट, ओ देखो मेरी बात सुनो, वो इलेक्ट्रिक करंट का पूछ रहे हैं, करंट, वो करंट गलती से भी जहां पे चिपक गए तो मतलब मोमबत्ती बन जाओगे, वो वाला करंट की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हें पता नहीं कौन सा करंट लग रहा है। हाँ अब आना शुरू हो ना, एम्पियर आंसर, बिल्कुल सही बोले, इसका आंसर क्या है, एम्पियर, क्या इसका आंसर है, एम्पियर आंसर है, ठीक है। चलो एन आईपी एड्रेस इज ए नंबर, बिट नंबर, बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताएंगे, एक आईपी एड्रेस कौन सा बिट संख्या है, 8वीं, 32वीं, 64वीं या 100 नंबर 4 की? बताइए जरा, जल्दी बताइए आईपी एड्रेस कितने नंबर की संख्या है, मतलब कि एसएससी खतरनाक नहीं है, कतई खतरनाक है, आईपी एड्रेस तो 36 करोड़ बार हमने देख चुके होंगे, मोबाइल खोलते हैं तब, मतलब आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड होता है, तुम जब भी इंटरनेट लेते हो अगर तुमने गलती से भी इधर उधर की कोई गलत वेबसाइट खोल दी जहां गवर्नमेंट ने तुम्हें बैन कर रखा है, तो भाई साहब तुम्हारा आईपी एड्रेस आ जाएगा वहां पे, वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे और जहां पे वो पटे घूम के मतलब लाल कर देते हैं पूरी पीठ को, वो लगा देंगे तुम पे, बस नहा लोगे तुम लाल लाल रंग से। आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आईपी एड्रेस का नंबर कितना होता है भाई साहब, आईपी एड्रेस इज ए 32 बिट नंबर, याद रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो संख्या की बात नहीं कर रहा, बिट नंबर, 32 बिट नंबर कह रहा है वो। चलो चलिए, प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन्स को खोने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खोने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है, बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, बताओ जरा, बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, बताओ जरा, क्या बात है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, को खोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर मतलब कोई बेचारा लड़का हो उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए और उसके लड़की के सामने अच्छा बॉडी बिल्डिंग सिक्स पैक ऐप बने हो, वैसे मेरे पास तो 1 पैक ऐप है लेकिन किसी के पास 6 पैक ऐप भी होते हैं, और वो आके किसी को मतलब आसपास घूमने लग जाए तो शरेआम ले जाएगा उसकी गर्लफ्रेंड को, कोई उखाड़ भी नहीं सकता कुछ, क्या ही उखाड़ लेगा बंदा, रो लेगा ज़्यादा ज़्यादा, वही सिस्टम है बस। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में देखो कौन सा न्यूक्लियस या फिर एटम चाहता है
कि उसके अंदर से उसका एलिमेंट कोई निकल जाए, कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए, नहीं, उसको निकालने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है दूसरे एलिमेंट को। उसको बहुत ज़्यादा जिम में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, सिक्स पैक ऐप बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फेशियल करानी पड़ेगी, फिर जाके आसपास घूमेगा तो कुछ बनेगा उसका। वही सिस्टम है इसका भी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी अपने आप में एक मेहनत ही है। चलो, एनियंस आर फॉर्म्ड थ्रू विच प्रोसेस, बताइए जरा। आयन एनियंस आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ऑनियन किस प्रक्रिया से बनते हैं जल्दी बताइए जरा। जल्दी बताओ जरा। देखिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक के हाथ से इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरे के हाथ में इलेक्ट्रॉन आ गया, उसे हम क्या कहते हैं, एनियन की प्रक्रिया, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्ल किसे कहते हैं, एसिड को कहते हैं, एसिड रेन को, ठीक है। अम्ली मत समझ लेना, मतलब जो पियक्कड़ को अम्ली कहते हैं वैसे आम भाषा में, तो वह अम्ली आ गया, नहीं, ये वो वाला अम्ली नहीं है, ये मतलब एसिड रेन है। तुम देखो, तुम कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, घूमने जाते हो, तो गैस निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, वो बादलों में जाकर मिल जाती हैं, तो उसकी वजह से एसिड रेन होती है। क्यों हो जाती है, अब वो थोड़ा ना कि वो गैसेस जाके बादलों में मिल गई तो वैसे गैसेस आ गई, गैसेस ही है ना, वहाँ पर जाके केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि क्योंकि पानी, जल क्या है, वाटर क्या है, H2O है, ऑक्सीजन क्या है, O3 है, ठीक है। अगर क्लोरो फ्लोरो कार्बन वहाँ पर जाएगी तो रिएक्शन करेगी, ये यहाँ पर जाएगी तो रिएक्शन करेगी, अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन नहीं करेगा तो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, तेज कर देगा, ठीक है। जैसे कोई बंदा है जिम में, भाग ही नहीं पा रहा, रनिंग ही नहीं कर पा रहा, लेकिन आसपास कोई लड़की देखेगा तो उसको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देगा, हालांकि दो मिनट में गिर के पड़ा होगा साइड पे, लेकिन ऐसा होता है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, कोई कोई चीज़ मोटिवेट कर देती है, उसी तरह से कोई ना कोई एलिमेंट कैटलिस्ट कर देता है रिएक्शन को, वो चीज़ हो जाती है एसिड रेन। बताइए जरा इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चलिए, और देखो ये बादल बनते कैसे, हमने कई बार बात की है कि जब भी मतलब जमीन पर जो हवा होती है वो गर्म होती है, गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो जितना भी जमीन पर वाटर होता है उसको हीट रिलीज होने के बाद वो गैसियस, गैस की स्थिति में बदल जाता है, लिक्विड से गैस स्टेट में आ जाता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है तो उसके उसके अंदर से जो एयर के अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट होती है ना, वो बाहर निकल जाती है। जब वो लेटेंट हीट बाहर निकलती है उस स्थिति में क्या होता है कि वो मतलब एयर की कैपेसिटी होती है ना, क्या मतलब वो बादल बन गए क्योंकि वो लेटेंट हीट बाहर आ गई, वो ऊपर में जा, ऊपर जाकर क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में आ गया, बादल बन गए। लेकिन जब एयर ऊपर जाता गया एयर के अंदर की गर्मी कम होती गई, जब गर्मी कम हुई तो एयर के अंदर जितनी गर्मी कम होती जाएगी उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर लिक्विड होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो क्षमता कम हो जाती है। जब वो क्षमता खत्म हुई, बस तुम सोच लो, ब्रिज लगा लो, ब्रिज बांध होता है ना, बांध, डैम में पानी आता जाएगा हल्की सी दरार आ जाएगी, लेकिन गलती से भी पानी और आ गया, डैम टूट जाता है। उसी प्रकार से ऊपर भी वही स्थिति होती है हवा के अंदर, बस हमें दिखती नहीं है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट सौर सुजला योजना, बताइए। मेरे को लग रहा है काफी लोग आंसर भी दे रहे हैं इसका, देखिए छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, ठीक है, क्या इसका आंसर है, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारे ट्राइबल्स जनजातियां हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या आता है, हु इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जब भी आप कोई सर्च करते हो ये आपको अक्सर देखने को मिलता है, बताइए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए कौन जाना जाता है, जो तुम्हें आज के टाइम पे एक सेकंड में मैसेज कर लेते हो, हमारे टाइम पे जब छोटे थे तो ना होता था, मतलब मेरे जो दोस्त थे मेरे से उम्र में बड़े थे अक्सर बताते थे कि तुम्हारी तरह फ़ोन तो ना कर पाते थे हम इधर उधर, हमें तो लेटर लिखना पड़ता था, दो दो हफ्ते बाद उसका रिप्लाई आता था, अगर लेटर कोई गिरा के चली गई है तो लेटर उठाने के लिए भी डर लगता था कोई देख ना ले,
तो मतलब ये इस व्यक्ति का कमाल है, उसने WWW किया था, उसके बाद ये चीजें शुरू हुई। बताओ जरा उसका नाम क्या है। देखिए उसका क्या है, सर टिम बर्नेर्स, ठीक है ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है आपके सामने। बी साई प्रणीत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं, हॉकी, बैडमिंटन, चेस, बॉक्सिंग। देखिए इसका आंसर क्या बनता है, बैडमिंटन इसका आंसर बनता है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या है देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है ये पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए है, इसका आंसर तुम्हें देना है, ठीक है। इसका आंसर कैसे देना है, तुम्हें देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए एक छोटा सा मतलब आपका प्रयागराज पे मीटअप है, देखो आपके सामने सारी की सारी मतलब ये देखो आपके सामने सारी की सारी मतलब प्रयागराज मीटअप का आ गया है, ठीक है। जो जो टीचर्स जा रहे हैं उनकी फ़ोटो लगी है, कुछ टीचर्स की फ़ोटो नहीं लगी क्योंकि स्पेस नहीं था, हालांकि आएंगे वो भी। तो आप लोग कल मौजूद रहिएगा पाम रिसोर्ट में, ठीक है। आपसे मिलेंगे टीचर्स सारे परीक्षा मतलब वहाँ पे आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो, मिल सकते हो। तो साथियों देखो हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, ठीक है, पढ़ना तो है ही। देखो हंसी मजाक तो चलता ही रहता है क्योंकि देखो मुझे भी अब तुम लोगों को पढ़ाना है। अगर मैं तुम लोगों को बीच में मनोरंजन वगैरह अगर नहीं करवाऊंगा, मतलब एंजॉयमेंट वगैरह नहीं करवाऊंगा, तो तुम लोग भी कहोगे यार क्या पका हुआ आदमी है यार, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ भी है। तो मतलब हमारी भी होती है कि चलो ठीक है कि वैसे तो हमारा काम सिर्फ कंटेंट के मामले में सोचना है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा आप लोगों को बात साथ साथ में एंटरटेन करें, मोटिवेशन आपका बना रहे। लेकिन ये तो हो गया इंस्टेंट मोटिवेशन, मतलब उसी वक्त आपको मतलब कॉन्शियस कर दिया कि हाँ, लेकिन एक रेगुलर मोटिवेशन की आवश्यकता होती है रेगुलरली। अक्सर आपके दिमाग में ये बात होती है कि यार पढ़ते पढ़ते अक्सर दिमाग में आ जाता है कि यार मतलब सारा दिन हो गया पढ़ते हो, दो पेज पढ़े हैं लेकिन बुक बंद की कुछ याद ही नहीं है यार। हो सकता है किसी ने चार चैप्टर पढ़ दिया और बुक बंद करेगा मुझे कुछ याद ही नहीं है यार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप उस बुक बंद करते हैं, बुक बंद करने के बाद जब आप प्रश्न करते हैं तो आपको उसकी अप्रोच पता चलती है कि किस तरीके से चीजों को दोबारा करना है। फिर जब आप उसी चैप्टर को, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप सही कर दें, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर नहीं दे पाए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए सोचिए कि आंसर क्यों नहीं दे पाए। अच्छा जब मैं इस पेज में इस चीज को पढ़ रहा था तो मैंने ये चीज नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने रेन आ गया, रेन का कॉन्सेप्ट आ गया, मानसून का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपने प्रश्न ये आ गया कि हाँ भाई साहब मानसून कब शुरू होती है कब खत्म होती है, आपने तो सोचा नहीं था यार और बुक में भी नहीं लिखा था। लो लग गए रस्ते, हंसते हंसते लग गए रस्ते। तो मतलब आपको बुक पढ़ने के साथ चीजों को खुद भी रिसर्च करना होता है। और अक्सर लोगों के बाद दिमाग में आता है यार मतलब चलो ठीक है रिसर्च भी कर लिया, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही, अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही। कभी अपने मम्मी पापा को देखना, कई मतलब महिलाएं ऐसी होती हैं जो मतलब घर पे ही काम करती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो घर का काम भी करती हैं, मतलब मम्मी कह लीजिए या फिर किसी की बड़ी बहन कह लीजिए जिसकी शादी हो चुकी हो या कुछ भी, वो बाहर पे जाके भी काम करती हैं। और आपने देखा होगा हाई लेवल ऑफ पेशेंस होता है वुमेंस में, हाई लेवल ऑफ पेशेंस। घर पे भी मतलब कई बार हस्बैंड की लड़ाई झगड़े का शिकार होना पड़ता है, और ससुराल में आई है तो मतलब अंदर भारत में तो अलग ही ट्रॉमा होता है यहाँ चीज़ों का। तो मतलब वो भी तो स्ट्रगल कर रही होती है लेकिन फिर भी मेहनत करती है। किसके लिए मेहनत करती है, तुम्हारे लिए मेहनत करती है, तुम्हारी मम्मी जी, तुम्हारे पापा जी, किसके लिए मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो तुम्हें दिन रात जिनका मन ही नहीं करता काम करने का, दुखी होते हैं फिर भी काम करते हैं, खाना नहीं खाया होता तो ये सोच रहे होते हैं कि नहीं भाई साहब मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, मैं उसके लिए कमाना है। वो कल का उसको पता नहीं होता फिर भी आज अपने आप को रगड़ रगड़ के काम कर रहा होता है, किस लिए कर रहा होता है, तुम्हारे लिए कर रहा होता है। तो यही एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है तुम लोगों के लिए।
अपने माँ बाप के उस दर्द को सोचा करो जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, और ये सोचा करो कि क्या खुशी आप उनको दे सकते हो। दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कोई दे ही नहीं सकता, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, चाणक्य भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता उससे बड़ा मोटिवेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका आज की क्लास को अंत करते हैं, मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और मेरी ये क्लास रोज होती है इसी चैनल पर 3 से 4 बजे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। साथियों, पूरी एग्जाम की टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे, स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को।